लोकसभा निवडणूक 2024 इंडियन नॅशनल लीग या पक्षाच्या वतीनं ॲडव्होकेट नजीब शेख यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांनी वामन मेश्राम व बहुजन मुक्ती पार्टीच्या चळवळीला नेहमी पाठिंबा दिल्याचं म्हणत आज दिनांक 8 एप्रिल रोजी 4:30 बहुजन मुक्ती पार्टीचे महाराष्ट्र राज्य प्रभारी मंगला थोरात यांनी इंडियन नॅशनल लीग या पक्षाचे उमेदवार ॲडव्होकेट नजीब शेख यांना जाहीर पाठिंबा दिला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. अकोला प्रतिनिधी गुलाम मोहसिन. साथियों, बहुजन मुक्ती पार्टी के माध्यम से हमने पूरे महाराष्ट्र में 48 सीट खड़ी की है और ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है. ऑल इंडिया में हमारी सीट खड़ी की है लेकिन महाराष्ट्र में हमने 48 सीट खड़ी की है. और जो मुद्दे को लेकर हम इस पार्टी के माध्यम से लड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो बहुत सारी समस्या है इस समस्या का समाधान हमको करना है. जो भारत के अंदर 85% लोग हम हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, क्रिश्चन है, मुस्लिम है, जैन है, लिंगायत है, बुद्धिस्ट है, ये सारे अधिकार खत्म किए गए हैं. लेकिन इस अधिकार को अगर हमको पुनर्जीवित करना है तो हम इस पार्टी के माध्यम से करना चाहते हैं साथियों. लेकिन आज हमने हमारी पार्टी के माध्यम से जो हमारे कैंडिडेट है गजानन दौड़ साहब, इन्होंने हमारा कैंडिडेट यहाँ के अकोला के कैंडिडेट थे लेकिन हमने समर्थन देने का ऐलान किया है. जो हमारे एडवोकेट नजीब शेख साहब है उनकी जो सामाजिक ईमानदारी उनके अंदर है, जो काम समाज के प्रति काम करने की जो उनकी भावना है, तो हमें लगता है कि जो हमारे मुद्दे बहुजन मुक्ति पार्टी के मुद्दे हैं ये आगे लेकर जाने की जो उनके अंदर जो योग्यता है वो लेकर जाने की हमें अपेक्षा है वो पूरे करेंगे. इसीलिए साथियों, ये राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन मैं महाराष्ट्र की प्रभारी होने की वजह से मैं उनको बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से उनको समर्थन देना चाहती हूँ. और आने वाले समय में हम हमारे पार्टी के माध्यम से पूरी ताकत, जो हमारा संगठन है साथियों, पार्टी है लेकिन ये पार्टी के पीछे हमारी एक ताकत है, एक संगठन है, 99 हमारी संगठन है, पूरी ताकत उनके साथ हमारी रहेगी. और आशा उम्मीद करती हूँ कि समाज का भी हमें सहयोग मिले क्योंकि समाज की मुद्दे है, इस मुद्दे के हम लड़ना चाहते हैं. हमारी शिक्षा खत्म हो गई है, शिक्षा का मुद्दा हमारा है. जो गवर्नमेंट स्कूल 62,000 गवर्नमेंट स्कूल ये बंद हो गई है, शिक्षण मंत्री ने वो आदेश दिया है, उसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं. कृषि नीति है, जो शेष का मुद्दा है, जमीन जारी है. और तीसरा मुद्दा आरक्षण नीति है, स्वास्थ्य नीति है, अत्याचार निवारण है, अन्य कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं और हमारे राज्य के भी मुद्दे हैं, लोकल के मुद्दे, ये सारे मुद्दे को हम समाज को देना चाहते हैं और ये हम निर्माण करना चाहते हैं. इस पार्टी के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दे समाज तक जाए और चुनकर आने के बाद समाज के लिए हम इस मुद्दे के ऊपर काम करें, ये आशा और विश्वास करती हूँ. आज मुझे बहुजन मुक्ति पार्टी का जो है तो समर्थन लेटर मिला है और उनके जो कैंडिडेट थे दौंड साहब, उन्होंने भी अपना उम्मीदवारी अर्ज वापस लेकर मुझे समर्थन दिया. आज आपकी चिन्ह का वाटप था और एक बड़े पक्ष का जो ये था, एक ही चिन्ह था, तो उसमें क्या निकाल आया, क्या रिजल्ट आया? वंचित बहुजन आघाड़ी का और हमारा एक ही चिन्ह मांगा गया था और मुझे सूत्रों से ये बात मालूम पड़ी है कि ईश्वर चिट्ठी से जो है तो मेरा नाम निकल के आया है और गैस सिलेंडर चिन्ह जो है तो मुझे प्राप्त हुआ है. अभी आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे सर, मैं गांव-गांव जाऊंगा, पूरे ग्रामीण एरिया घूमूंगा, शहरी भागों में भी हमारे लोग और हम बहुत मेहनत करने वाले हैं और इंडियन नेशनल लीग के हमारे जो नेता है वो भी प्रचार प्रसार के लिए आने वाले हैं और मैं जो हमारे अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को लेकर जो है तो इलेक्शन में उतरा हूँ. जो वादे किए गए थे वो वादे आज तक कांग्रेस और दिगर जमा पार्टियों ने, सियासी पार्टियों ने पूरे नहीं किए और लेकिन मेरी ऐसी अपेक्षा है कि मैं अगर चुन के आया तो वो सारे मुद्दे मेरे समाज के मैं पूरे करूँगा. ख़ास तौर पे मॉब लिंचिंग का मामला चल रहा है और देख रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में कभी अतीक को जो है तो अतीक साहब की जो हत्या जिस तरह से की गई, अंसारी साहब का मामला भी सामने आया है अभी, उसी के साथ सैयद साबुद्दीन साहब का मृत्यु का मामला भी जो है तो गुत्थी बन के रह गया. तो इस तरह से जो मुस्लिम समाज के जो कद्दावर नेता है उनकी जो हत्याएं हो रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है तो मामला हम अभी देश में हमारे सामने आया है. साथ ही अब इस तरह के भी हालात आ रहे हैं कि मासूम बच्चों को स्कूलों में भी अत्याचार किया जा रहा है और वो मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक बच्चे स्कूलों में आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं. तो मैं सारे मामलों में अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ. मैं न्याय व्यवस्था के साथ जो है तो इंसाफ होना चाहिए समाज के प्रति, वो समाज को अपना इंसाफ देने और मैं बदल करने के लिए आया.
आमच्या विदर्भ टाइम्स यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा आमच्या सोबत अपडेट।